लोग अपना वर्दी पहन लिया, हम लोग को वर्दी पहनने का वक्त आ गया ना, वर्दी पहनने का टाइम खड़ी है, हम करते हैं पढ़ाई है, कोई खेल नहीं है गुड़िया का, क्या आज खेला आज कल छोड़ दिया। और बहुत बच्चे को भी अरेस्ट किया गया है यहाँ तो, और हम कोई तो जेंट्स पुलिस ने भी हाथ लगाया है। आप बताइए ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जेंट्स पुलिस हाथ लगाएगी? हमारी माता पूरी करा, पूरी करा, पूरी करा। देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर का नजारा है, जहां पर साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्राएं नीचे धरने पर बैठ गई है। ये बीजेपी दफ्तर है और अपनी मांगों को लेकर यहां पहुंची, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यातायात में भी बाधा हो रही है। और इसके जस्ट सामने ठीक सड़क पर यहाँ पर जितनी छात्राएं हैं वो बैठ गई है, नाराजगी इनमें साफ तौर से नजर आ रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आप लोग काफी आक्रोशित नजर आ रही है, विरोध करेंगे क्या? हमारे नेता को पहले अरेस्ट कर लिया गया है, हमारा नेता वापस करो, हम लोग के स्कूल कॉलेज से निकाला जा रहा है और बोला जा रहा है कि हम लोग को किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना है, और हम लोग का तो एक साल बर्बाद हो जाएगा। हम लोग का जब 11th का रजिस्ट्रेशन हो गया है, हम लोग का एग्जाम के बाद हम लोग को कॉलेज से निकाला जा रहा है, हम लोग को मैसेज आता है कि हम लोग को फॉर्म भरना है, फिर से हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर से हम लोग को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाना है। गवर्नमेंट स्कूल में CBSE बोर्ड के बच्चे कैसे पढ़ेंगे आप ही बताइए। सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर अधिकारियों से भी झड़प की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, और अधिकारी समझाने की कोशिश करते हुए कि वो सड़कों पर से उठ जाए, लेकिन छात्राएं नाराज हैं, छात्राएं जो है वो नहीं सुन रही है, छात्राएं नहीं सुन रही है, काफी ज्यादा अधिकारी से हम आपको तस्वीरें देख रहे हैं। आप लोग अपना वर्दी पहन लिया, हम लोग को वर्दी पहनने का वक्त आ गया ना, वर्दी पहनने का टाइम खड़ी है, हम करते हैं पढ़ाई है, कोई खेल नहीं है गुड़िया का, क्या आज खेला आज कल छोड़ दिया। साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिस बलों की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, और ऐसे में सड़कों पर छात्राएं बैठ गई हैं, और ऐसे में अधिकारियों से झड़प भी देखने को मिल रही है। अधिकारी लगातार समझाते हुए कि वो यहां से हट जाए, यातायात को बाधित न करें, लेकिन फिर भी छात्राएं मानने को तैयार नहीं है, नाराज है, काफी नाराज है। आप लोग क्या कहेंगे जी? काफी नाराज हैं आप लोग, क्या कहेंगे? हम लोग नाराज इसीलिए हैं कि हम लोग अपने राइट के लिए उठ रहे हैं, हम लोग के पास दबाया क्यों जा रहा है, जब हम लोग बोल रहे कि कानून वापस लिया जाएगा तो हम लोग के लीडर को क्या अरेस्ट कर लिया जा रहा है, हम लोग को भगाया जा रहा है, क्यों हम लोग क्या गलत कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग अरेस्ट कर लिया गया है बिना कुछ किए हुए, अरेस्ट कैसे, कहां लोगों को, कहां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बिना कुछ किए हुए अब लेके चले जाएंगे, ऐसा कहां लिखा हुआ है? बैठ के सरकार खाली देख रही है, और बहुत बच्चे को भी अरेस्ट किया गया है यहाँ तो, और हम कोई पता जेंट्स पुलिस ने भी हाथ लगाया है। आप बताइए ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जेंट्स पुलिस हाथ लगाएगी? जो मैंने लगाया है उस पर सजा मिलनी चाहिए। सकते हैं साफ तौर पर कि यातायात बाधित हो चुकी है, छात्राएं धरने पर बैठी, और इनकी एक ही मांग है कि अरेस्टिंग जो है वो हुई है वो ना हो, देखिए उठाया जा रहा है पुलिस द्वारा, तमाम के बाद छात्राएं हैं वो फिलहाल यहाँ पर बैठी है, और उठाया जा रहा है उनसे लेडी कॉन्स्टेबल कोशिश कर रही है, और आप देख सकते हैं कि साफ तौर से नारा भी लगा रही है, और ऐसे में छात्राओं को हटाती हुई पुलिस, और छात्राएं सुनने का नाम नहीं ले रही है। देखिए क्या कहना चाहेंगी, साफ तौर से हटाया, उन्हें उठाया जा रहा है, हटाया जा रहा है सड़कों पर से, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रही है, वो यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रही है, और तस्वीरें आपके सामने देखो ना, जाके देखने वहाँ है, जितने भी देखा जाए तो छात्राओं का मांग सही है, और ये अपने मांग को लेकर सामने कि किस तरीके से छात्राओं को हटाया जा रहा है।
उधर रहो। ये तो साफ तौर से किस तरीके से जब छात्राएं नहीं सुन रही हैं और ऐसे में बस को आगे लाया जा रहा है, बलपूर्वक हटाया जा रहा है ताकि वो सड़क पर से हट जाए, सड़क पर से उठ जाए। तमाम जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे छात्राओं को, और ऐसे में छात्राएं नहीं उठ रही थी, धरने पर बैठी, ऐसे में उनका प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है और नाराजगी साफ तौर से देखने को मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर छात्राओं का उग्र प्रदर्शन जारी है। कैमरा पर्सन नितिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।